वैष्णव के प्रति अनादर बुद्धि, चाहे कोई भी जाति की हो, वैष्णव में जाति बुद्धि, शालग्राम में शिला बुद्धि, गुरु में मनुष्य बुद्धि, गंगा जल में पानी बुद्धि, ब्रजराज में मिट्टी बुद्धि, बोलते ये अपराध का कारण है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये साधारण मिट्टी के साथ हमारे ब्रजराज की मिट्टी एक ही ऐसा नहीं है, ये चिन्मय है, दिव्य है। शालग्राम में शिला बुद्धि, गुरु में मनुष्य बुद्धि, वैष्णव में जाति बुद्धि, ये छोटी जाति, ये बड़ी जात, ये ब्राह्मण है, ये ऐसा है, ऐसा चलेगा नहीं। भगवत दरबार में इसका कोई, हमारे पास तो मर्यादा है, हम तो मर्यादा रखेंगे जरूर, ऐसा थोड़ी है हम मर्यादा नहीं करेंगे। जो हमारे लिए प्रणम्य है उनके प्रति हमारी श्रद्धा तो रहनी चाहिए, नहीं तो हमारे लिए भक्ति मार्ग में आगे चलना विघातक हो जाएगा। लेकिन भगवान के दरबार में इसका कोई कीमत नहीं, भगवान देखते हैं तो वही तो सब पंचतत्व चतुर्विंशति तत्व शरीर धारी है, बीस में एक जात्या अभिमान लेकर के अपने को बड़े मान करके और समाज में पूजित पूज्य मान करके भजन कर रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए तो पूजनीय है ही है, जो हमसे बड़े हैं, हमारे तो सभी पूजनीय है, हमारे लिए श्री उच्च कुल तो बहुत दूर की बात है, हमारे लिए तो तिलकधारी कंठीधारी मात्र, कंठीधारी छोड़ दो, ये तो बहुत दूर की बात है। वैष्णव हिंसार कथा से रहु दूरे, सहजे जीवेरे जे अधम पीड़ा करे, विष्णु पूजिय जे प्रजार पीड़ा करे, पूजा विफले जाए आर दुख मरे, सर्वभूते आशीष श्री विष्णु ना जानिया, विष्णु पूजा करे अति प्राकृत हइया, एक हस्ते जान विप्र चरण पखाले, एक हस्ते ढेला मारे माथाय कपाले। हमारे लिए तो ये सब बहुत दूर की बात है, ये तो हमारी चिंता की अगम्य विषय है, लेकिन फिर भी तटस्थ होकर विचार करना पड़ेगा, हमारी भक्ति क्यों नहीं हो रही है। बोले साधारण वैष्णव को हिंसा करना ये तो बहुत दूर की बात है, छोड़ दो, उतना दूर तुमको जाने का जरूरत नहीं है। वैष्णव हिंसार कथा से रहु दूरे, बहुत दूर की बात है, वो तो विघातक। सहजे जीवेरे जे अधम पीड़ा करे, साधारण जीव में भी जिसके अनादर बुद्धि या हिंसा करते हैं, विष्णु पूजिय प्रजार पीड़ा करे, विष्णु को भजन करते हैं लेकिन उनके जो सत्ता है उनका हिंसा करते हैं, पूजा विफले जाए और दुख मरे, पूजा भी बेकार जाता है और दुख पाता है। सर्वभूते आशीष श्री विष्णु ना जानिया, विष्णु पूजा करे अति प्राकृत होइया, सबके अंदर हमारे प्रभु निवास कर रहे हैं, घट घट वासी है अविनाशी श्री विष्णु, ये नहीं जान करके विष्णु पूजा तो कर रहे हैं लेकिन घट घट वासी है वो, सबके प्रति आदर बुद्धि ना होने का कारण हम अनादर कर बैठते हैं।